नमस्कार, मैं सुवर्णा। न्याय टीवी में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। कोर्ट राउंडअप की खबरें अब विस्तार से। महाराष्ट्र के पूर्व शहरी विकास मंत्री एकनाथ शिंदे ने गुरुवार को भारतीय जनता पार्टी भाजपा के समर्थन से राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली। दूसरी ओर भाजपा विधायक ने कथित तौर पर प्राइम ट्रस्ट की भूमि के हिस्से को DCR 2034 के तहत मुंबई विकास के लिए अनारक्षित करने के खिलाफ बॉम्बे हाईकोर्ट में जनहित याचिका दायर की। विधायक आशीष शेलार ने 12 मार्च 2021 की UDD अधिसूचना और बाद में बांद्रा मुंबई में प्रमुख भूखंड पर बाई अवाबाई पेटेड पारसी गर्ल्स अनाथालय द्वारा प्रस्तावित कथित डी रिजर्वेशन या संशोधन को मंजूरी देने वाले एक शुद्धि पत्र को चुनौती दी है। आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट ने शुक्रवार को गवर्नमेंट प्लेटफॉर्मों पर सिनेमा टिकटों की ऑनलाइन बिक्री पर रोक लगा दी। इसके साथ ही कोर्ट ने राज्य सरकार को विशेष पोर्टल के माध्यम से सिनेमा टिकटों की बिक्री के साथ आगे बढ़ने से रोक दिया। उक्त पोर्टल को 27 जुलाई तक लॉन्च करने की योजना है। चीफ जस्टिस प्रशांत कुमार मिश्रा और जस्टिस DVSS सोमया जुलू ने बुक माई शो सहित याचिकाकर्ताओं टिकट एग्रीगेटर्स के पक्ष में अंतरिम आदेश पारित किया। कर्नाटक हाईकोर्ट ने बिटकॉइन घोटाले के आरोपी सर कृष्ण के भाई सुदर्शन रमेश द्वारा दायर याचिका को खारिज कर दिया। उक्त याचिका में उसे भारत छोड़ने और नीदरलैंड की यात्रा करने से रोकने में केंद्रीय अधिकारियों की कार्रवाई पर सवाल उठाया गया था। जस्टिस SG पंडित की एकल न्यायाधीश पीठ ने कहा, प्रतिवादियों की आशंका है कि कृष्ण का भाई होने के नाते याचिकाकर्ता इस स्तर पर अपराध में शामिल हो सकता है, इसलिए उसे समन किया जाना चाहिए क्योंकि जांच अभी भी जारी है। बॉम्बे हाईकोर्ट ने हाल ही में एक नाबालिग की 16 सप्ताह की गर्भ को समाप्त करने की अनुमति दी जो यौन शोषण का शिकार थी और भारतीय दंड संहिता IPC की धारा 302 के तहत हत्या के अपराध के लिए एक ऑब्जर्वेशन होम में कस्टडी में है। जस्टिस AS चंदुरकर और जस्टिस उर्मिला जोशी फाल्के ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने देखा है कि बच्चे को जन्म देना या न देना एक महिला की व्यक्तिगत स्वतंत्रता का एक अविभाज्य हिस्सा है, जैसा कि भारत के संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत प्रदान किया गया है। पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने हाल ही में एक व्यक्ति को जमानत दी। कोर्ट ने कहा कि पीड़िता कोर्ट की कर्मचारी है और परिणाम और कानूनी उपायों को जानने के बावजूद वो लंबे समय तक चुप रही। आरोपी को जमानत देते हुए जस्टिस अनुप चितकारा की पीठ ने कहा, पीड़िता एक कर्मचारी है, परिपक्व महिला है और अदालत में काम कर रही है और वह परिणाम और कानूनी उपायों को जानती होगी, फिर भी वो इतने लंबे समय तक चुप रही, इसलिए याचिकाकर्ता को जमानत दी जाती है। कर्नाटक हाईकोर्ट ने माना है कि पक्षकारों की ओर से पेश होने वाले वकील या एडवोकेट उस दूरस्थ बिंदु पर शारीरिक रूप से उपस्थित होने के हकदार है जहां से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से ऐसे पक्ष के साक्ष्य रिकॉर्ड किए जा रहे हैं। जस्टिस सचिन शंकर मखादुम की एकलपीठ ने निचली अदालत के आदेश के खिलाफ दायर के लक्ष्मण रेड्डी की याचिका को स्वीकार कर लिया, जिसमें उनके वकील द्वारा साक्ष्य की रिकॉर्डिंग के दौरान दूरस्थ बिंदु पर उपस्थित होने की अनुमति को अस्वीकार कर दिया गया था। तेलंगाना हाईकोर्ट ने कहा कि बीडी रोलर श्रमिक मुआवजा अधिनियम की धारा 2N के तहत कामगार है। जस्टिस M लक्ष्मण ने आगे कहा कि बीडी का रोलिंग एक विनिर्माण प्रक्रिया है और इसलिए बीडी रोलर अधिनियम के तहत एक कामगार है। पूरा मामला वर्तमान दीवानी विविध अपील ने कर्मकार मुआवजा आयुक्त और सहायक श्रम आयुक्त करीमनगर की फाइल पर आदेश का विरोध किया, जिसमें अपीलकर्ता द्वारा अपनी बेटी येदंडी यल्लवा की मृत्यु के लिए मुआवजे का दावा विरोधी पक्ष के साथ रोजगार के दौरान किया गया था, जबकि बीडी रोलिंग खारिज कर दिया गया था। केरल हाईकोर्ट ने हाल ही में देश के सभी हाईकोर्ट्स में गरीबों और निराश्रितों के मामलों की विशेष रूप से सुनवाई करने के लिए सुप्रीम कोर्ट की 2 जजों की पीठ की स्थापना की मांग वाली याचिका खारिज कर दी। चीफ जस्टिस S मणिकुमार और जस्टिस शाजी P चाली की खंडपीठ ने ये कहते हुए याचिका खारिज कर दी कि याचिकाकर्ता ने न्यायपालिका के खिलाफ गंभीर आरोप लगाए थे, इसके अलावा मांगी गई राहत देने के लिए इच्छुक नहीं था। देश भर में नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल बेंच सदस्यों की कमी से गुजर रहा है।
क्योंकि इसके 15 सदस्य 3 जुलाई 2022 को सेवानिवृत्त हो रहे हैं। अब तक उक्त सदस्यों के कार्यकाल को कोई विस्तार नहीं दिया गया है। दिनांक 1 जुलाई 2022 को जारी सर्कुलर के माध्यम से शेष सदस्यों के साथ एनसीएलटी पीठों का पुनर्गठन किया गया है। पृष्ठभूमि कॉरपोरेट मामलों के मंत्रालय एमसीए ने दिनांक 20 सितंबर 2019 को अधिसूचना जारी कर 23 एनसीएलटी सदस्यों को 3 साल की अवधि के लिए या 65 वर्ष की आयु तक नियुक्त किया था। हालांकि कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 413 के तहत सदस्यों का कार्यकाल 5 वर्ष के लिए निर्धारित किया गया है। कर्नाटक हाईकोर्ट ने हत्या के 2 आरोपियों को जमानत देने से इनकार करते हुए कहा, जब याचिकाकर्ताओं ने एक व्यक्ति की निशंस हत्या की है तो वे दूसरे व्यक्ति यानी अपने पिता की जान बचाने के लिए जमानत नहीं मांग सकते। जस्टिस के नटराजन ने दोनों भाइयों सादिक खान और आदिल खान को राहत देने से इनकार करते हुए ये टिप्पणी की, जो लगभग 1.5 साल से हिरासत में है और अपने बीमार पिता की देखभाल के लिए रिहाई की मांग की थी। फिलहाल बस इतना ही। अन्य खबरों के लिए जुड़े रहिए न्याय टीवी के साथ। नमस्कार।